हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्रेनिंग सेशन में। हम बात करेंगे आपके साथ आज पावर बीआई के डेट एंड टाइम फॉर्मूले की कैलकुलेशन में। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। अभी मेरे साथ गुणवंत जी हैं जो कि लाइव है हमारे साथ और इनके साथ हम क्लासेस ले रहे हैं। तो क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हमारी एक बैच शुरू हो रही है, एडवांस एक्सेल एंड वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की ग्रुप बैच है जो कि रात को 8 बजे 20 जुलाई से शुरू होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर पर फटाफट कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, बाकी डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेट की कैलकुलेशन पावर बीआई के अंदर। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ डेट देख पा रहे हैं, राइट? तो इस डेट को अगर आपको ये करना है, अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, कंबाइन करना है, इस पे कैलकुलेट करना है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। हम उन फॉर्मुलेज के बारे में जिक्र करेंगे जिसको हम कॉलम के अंदर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना हेडिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मंथ दे दी, तो मान लीजिए जो डेट है इस डेट से मुझे मंथ अलग करना है। दो तरीके हैं। पहला है कि जैसे मैंने डेट को कॉल किया, ठीक है ना, C1 के डेट को, यहाँ पे C1 दीजिए, यहाँ पे डेट दिख जाएगा, डेट को कॉल किए। डेट कॉल करते ही आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे कि डेट में अगर डेट सेलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा डेट ही शो कर देगा यहाँ पे सेम टू सेम। उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने लिया, अब यहाँ पे मान लीजिए डेट के जगह पे मैंने डे सेलेक्ट किया तो क्या होगा, जो इसका डे होता है डेट वो आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं डे के जगह पे मंथ सेलेक्ट किया तो जनवरी फरवरी आ जाएगी। उसी जगह से मैं यहाँ पे मंथ के जगह पे मैं सेलेक्ट कर लिया मंथ नंबर, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 5 नंबर में आया। सेम क्वार्टर, क्वार्टर नंबर एंड ईयर सेलेक्ट करने से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? क्वार्टर 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 कीजिएगा तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 4 इस तरह से आएगा, एंड क्वार्टर नंबर लीजिएगा तो 1 2 3 4, ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इनके अलग अलग फॉर्मूलेज है। जैसे अगर मैं मंथ का फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ पे C1 का डेट सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि आपका मंथ अलग कर देगा 1 2 3 फॉर्मेट में। ऐसे मंथ के जगह पे आप अगर डे लगा देते हैं, डे, तो आपका डे निकाल के दे देगा। ऐसे हम मैं यहाँ पे क्वार्टर कर दूं तो आपका क्वार्टर अलग करके दे देगा, ठीक है? ईयर कर दूं तो ईयर कर। लेकिन अगर मुझे मंथ या डे या जो भी है मुझे अपने हिसाब से चाहिए, ऐसे केस में हम यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर्मेट के अंदर में डेट को सिलेक्ट करेंगे हम C1 के डेट को, एंड कॉमा करके आप यहाँ पे जो एक्सेल का कस्टम फॉर्मेटिंग होता है वो डाल। ठीक है, एक्सेल का कस्टम फॉर्मेट। तो यहां पे हमने कर दिया DD/MMMM/YY, आ गया, बट डेट डेट फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट है, दिख रहा है ऊपर? ऐसे मुझे मान लीजिए हम MMYY चाहिए तो ये MMYY आ जाएगा, ठीक है, समझे? ऐसे मुझे मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे चाहिए तो 3 बार टी कीजिए, संडे मंडे ट्यूजडे आ जाए। मुझे जैन फैब मार्च या जनवरी फरवरी मार्च चाहिए तो यहाँ पे आप वो फॉर्मेट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी कितने फॉर्मूले सीखे? सबसे पहले तो डेट को कॉल करना सिखाया, फिर डे डे मंथ ईयर क्वार्टर, 4 फॉर्मूले सीखे। उसके बाद हमने वापस फॉर्मेट का फॉर्मूला सीखा। अब मान लीजिए कि कई बार मेरे पास जो डेट है ना वो ऐसे नहीं है, मतलब कि इस तरह से नहीं है, वो अलग अलग कॉलम में, तो क्या करेंगे? तो यहां पे
हम जो है डेट नाम का फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे आप अगर जैसे 2024 दिया, यहाँ पे मंथ 7 दिया और डेट मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया, तो एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेट बन जाएगा। ठीक है, समझे मन जी? हाँ, इस तरह से आपका डेट बन गया। तो अलग अलग डेट बना सकते हैं, अलग अलग नंबर है तो इस तरह से डेट तैयार कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि डेट हमारा डेटा में मंथ होते हैं, ठीक है ना? अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ, रैन बिटवीन 1 से 12, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे एक मंथ नेम का फॉर्मूला है? नहीं, मंथ नेम का फॉर्मूला नहीं है, नहीं गलत कर दूंगा। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे आपने फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया और C21 के डेट से आपने क्या किया, MMM ले लिया, ठीक है, ले लिया सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, जैसे मुझे चार्ट बनानी, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये चार्ट बनानी है, डेटा है हमारे पास। अब मान लीजिए कि अगर मैंने इस मंथ को रखा जो कैलकुलेट किया है मैंने, और इसके हिसाब से क्वांटिटी लेंगे तो क्या होगा, ए देखिए दिख रहा है आपको, जुलाई पहले आया, फिर मार्च आया, फिर अगस्त आया, फिर मई आया। मान लीजिए इसको शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट बाय एक्सिस, हमने बोला मंथ बाय शॉर्ट करना है, तो यहाँ देखिए सेप्टेम्बर आ गया, ठीक है ना? हमने बोला कि शॉर्ट असेंडिंग करना है, या अप्रैल आ गया। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि आप शॉर्ट कर सके जैन टू मार्च, ठीक है? ऑप्शन है नहीं, है ना? तो ऐसे केस में क्या करें? तो हम कहेंगे कि आप मंथ इस तरह से डालेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है शॉर्ट करने का, ठीक है? मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास डेट ऑलरेडी है तो आप डेट के हिसाब से रखें, जैसे मैंने यहाँ पे डेट रख दिया और यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि सॉरी क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया। अब यहां से ईयर यहां से क्रॉस कर दीजिए, दिख रहा होगा, यहाँ पे ईयर को क्रॉस कर दीजिए, क्वार्टर क्रॉस कर दीजिए, डे क्रॉस कर दीजिए, जैन फेब आया आया सर। नहीं। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि इस तरह से करें, लेकिन मान लीजिए कि नहीं, मुझे कुछ इस तरह से ही देना है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम सबसे पहले जो मंथ है ना, इसमें एक नया कॉलम लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक DT नाम का बनाएंगे और यहाँ पे हम डेट बनाएंगे, ठीक है? पर डेट जो आया टेक्स्ट में आया आया ना, तो यहां टेक्स्ट से क्या मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर, हाँ कर दिया, हो गया, हो तो गया ही, ठीक है? तो हर महीने की पहली डेट में लेके आ गया, आ गया ना सर, हर महीने की पहली डेट लेके आ गया। अब यहां पे जो है मंथ हटा दो और डेट, ये जो डेट मैंने बनाया DT उसको रख दो, ठीक है? इसमें ईयर हटा दीजिए, क्वार्टर हटा दीजिए, डे हटा दीजिए, हो गया। या फिर कई बार हमें डेट इस तरह से नहीं दिखाने होते हैं तो इसमें से हम मंथ का फॉर्मूला लगा के मंथ नंबर अलग कर देते हैं, मंथ को नंबर में कर देते हैं, इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है? कर दिया। अब यहां इस पे आते हैं, अब ये देख सकते हैं यहां पे, अब DT के जस्ट नीचे हम मंथ डाल देते हैं,
दिख रहा है सर, और ये ड्रिल डाउन दिख रहा है ना, ये ड्रिल डाउन, इसको नीचे एक मिनट, ठीक है, पर अभी भी तो वही है, जुलाई वाई भी आया ना इसने तो, एक मिनट इसको सॉर्ट करता हूँ। ओ ये डबल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, सही ना सर? तो तरीका आपके सामने जो आप यूज कर सके। ऐसे मान लीजिए मुझे इसका लास्ट लास्ट डेट चाहिए, तो हम लोग क्या अलग यूज करते, ईओ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ में अगर हम डेट डाल दिए और कॉमा जीरो करते हैं, उस महीने की लास्ट डेट पता चलेगी, उस महीने क्या पता चलेगा, लास्ट डेट। अगर मैं वन कर दूं तो उसके अगले महीने, टू कर दूं तो उसके अगले के अगले महीने, थ्री कर दूं तो उसके अगले के अगले महीने, माइनस में करूं तो पिछले महीने, समझे? अब डेट पे आते हैं, डेट की कैलकुलेशन, ठीक है, डेट की कैलकुलेशन। अब मान लीजिए कि मुझे दो, यहां दो डेट डेट डाला है, मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डी आई, यहां पे डिफरेंस चाहिए डेट में, तो डी टी मतलब लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, तो आपका डेट पता चल जाएगा कितना दिन हुआ, ठीक है। इसको इसको नंबर में कर दीजिए, होल नंबर में, ओके। अब मान लीजिए कि मुझे दो डेट के बीच में मंथ पता करना है, मान लीजिए कि मुझे मंथ पता करना है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा डी आई एफ, डेट डी आई एफ, क्या लगाऊंगा, डेट डी आई एफ, इसमें हाँ इसमें हम डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट डेट को एंड डेट को मान लीजिए कि टुडे, टुडे जो होता है करेंट सिस्टम डेट देता है, और मुझे चाहिए यहां पे देख दिख रहा है, अगर मैं डे करूं तो टोटल डिफरेंस इन डेज आएगा, आवर करूं तो टोटल डिफरेंस इन आवर आएगा, मिनट करूं तो डिफरेंस मिनट आएगा, क्वार्टर करूं क्वार्टर आएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे मान लीजिए ईयर कर दिया, तो ये बता देगा क्या बोल रहे, ईयर आ गया ना, क्या बोले, सेकेंड, अगर टाइम टाइम है तो इसमें मिनट आवर सेकेंड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मंथ कर दीजिएगा तो डिफरेंस इन मंथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास एक और फॉर्मूला है नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज में मैंने सेलेक्ट किया स्टार्ट डेट, और यहां पे मान लीजिए टुडे डाल दिया एंड डेट में, और मुझे यहां पे वीकेंड्स बताने हैं, तो वीकेंड्स में मैंने सेवन सेलेक्ट किया है, संडे, वन मतलब सैटरडे, वन मतलब संडे, टू मतलब वन मतलब सैटरडे संडे, टू मतलब मंडे संडे, संडे मंडे, थ्री मतलब आपका छुट्टी किस दिन होता है, तो हमने सेवन किया मतलब संडे ओनली, सिर्फ संडे को छुट्टी होता है, ठीक है ना, सैटरडे संडे शुरू होता है वन से, और कोई किसी अगर डेटा में हॉलीडे लिस्ट है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएगा कि दोनों डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ दिन हुए जिसमें सैटरडे एंड संडे या सिर्फ संडे नहीं है, मैं यहां पे संडे सेलेक्ट किया, सेवन सेलेक्ट किया मतलब कि सिर्फ संडे नहीं है, ठीक है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत इसमें, तो डेट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत इसमें, तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्या
ओके और कल मिलते हैं। हाँ।